गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का मैंने वीडियो जो मेरे वॉइस ओवर से शुरू कर दिया। सो फ्रेंड्स, आज है 14th ऑफ सितंबर एंड वेंसडे। तो हम लोग जो है बाहर जा रहे हैं, एंड हम लोग क्यों बाहर जा रहे हैं लेट मी टेल यू। सो फ्रेंड्स, हमें जो है आज हेयर कट करवाना है मुझे और दीदी को। एंड यस गाइस, मैंने सोचा आपको मतलब मैं दिखा दूँ कि कैसे हम लोग क्या हेयर कट करवा रहे हैं। सो गाइज, एक्चुअली जो है बाल थोड़े से नीचे से डैमेज हो गए थे, एंड तो हमने सोचा कि चलो इसको ठीक करवा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारे पूरा पार्लर का शुरू होता है, एंड सबसे पहले जो है हेड वॉश उन्होंने किया है मेरे। तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, मेरे कान पर लग रहा था, इसलिए मेरे ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं। एंड गाइज, वैसे अगर हम बोले तो ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा किया, एंड की सर्विस भी बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी हो गया। सो फ्रेंड्स, मैं आपको जो बीच बीच में कभी मेरा कभी दीदी का ऐसे दिखाते रहूँगी। एंड अब दीदी का हेड वॉश होने के बाद अब वो पहले कोम कर रहे हैं। एंड देन गाइस, कोम के बाद उन्होंने जो है पहले हेयर ड्राई किया, और फिर जो है अब उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊँगी। तो अब जो मैं यहाँ पर हेड वॉश करवा के आ गई हूँ, एंड अब मेरी बारी है। सो गाइस, अब जो है मेरे फाइनली बाल कट रहे हैं, एंड दीदी के कैसे कटे आई होप आप लोगों को अच्छे लगे हो। सो गाइस, हम लोगों ने जो है यू शेप करवाया था, एंड वैसे जैसे आप लोगों को पता ही है, हर बार मैं आगे से जो फ्लिक्स होती हैं वो भी करवाती हूँ, लेकिन वो नहीं करवाई क्योंकि गाइस स्कूल जाना होता है मुझे इसलिए। एंड उसके बाद गाइस, वो जब हम लोग चोटी बनाते ना तो फिर वो बाहर निकल जाती है, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है इसलिए। एंड उसके बाद हम लोग जो है अराउंड 7 आ गए थे घर, क्योंकि फिर रास्ते में जब बारिश शुरू हो गई थी तो हम लोग यही सोच रहे थे कि बारिश जिससे पहले तेज़ हो उससे पहले हम लोग जो है घर पहुंच जाएं।
एंड एक्चुअली हम लोग जो है घर पहुंच गए थे टाइम पे, तो मुझे तो पता नहीं था उन्होंने पीछे कैसे क्या काटा था। सो अब मैं देख रही हूँ कि उन्होंने क्या काटा है। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोग जो है मेरे प्रमोशन वाले व्लॉग को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। एंड गाइस, ऐसे ही जो आप लोग प्यार देते रहिए तो मैं ऐसे और आप लोगों के लिए व्लॉग्स लाऊंगी। एंड यस फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। एंड गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप जो अपने फैमिली फ्रेंड्स उन सबसे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप उन सबको भी बता सकते हैं मेरे चैनल के बारे में। एंड आगे इन्जॉय। Now it's time to show you some market friends. So ये जो है वहीं की मार्केट है जहाँ से मैंने बाल कटवाए हैं। एंड हम लोग हर सैटरडे यहीं आते हैं, तो मैं आप लोगों को जब भी दिखाती हूँ गाइस कि फ्रेंड्स आज मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, आज मैं ये लाई, तो ये सारी चीज़ें मैं यहीं से लाती हूँ। एंड फ्रेंड्स, बहुत अच्छी मार्केट है, इट्स अमेजिंग। आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड हम लोग उसके बाद फ्रेंड्स एक और शोरूम में गए थे, वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो मैं आपको हेयर ब्रशेज दिखा रही थी। एंड ये जो मेरे हाथ में ये मैंने ख़रीदा है, तो इसके बारे में भी जो है मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। एंड फ्रेंड्स, नाउ फाइनली बैक टू होम। तो बाहर जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मॉल है उसके बाहर भी और बहुत सारे शोरूम्स हैं, मतलब इतने सारे हैं, हर चीज़ का शोरूम है यहाँ पे, चाहे आपको खाने का चाहिए, आपको ज्वेलरी का चाहिए, आपको ड्रेसेस का चाहिए, हर चीज़ें इंक्लूडिंग मोबाइल्स आप लोग देख ही सकते हैं। फाइनली हम लोग ब्लॉग के एंड पे आ चुके हैं। एंड ये ब्लॉग में ही ख़त्म करती हूँ, तो आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो। एंड ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने आज आपको सिर्फ हेयर कट ही तो होता है ना। मैं फ्रेंड्स कंफ्यूज हो गई कि मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। एंड यस, प्राइस क्या, सॉरी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा मेन गोल था हेयर कट। ओके, सो मैं पहले एयर कट बोल रही थी, ओके हेयर कट। एंड वही मैंने आपको दिखाया, और मैंने जो है थोड़ी सी मार्केट भी दिखा दिया। तो आज हम लोग फ्रेंड्स इसलिए गए थे हेयर कट करवाने क्योंकि आज वेंसडे है, और वैसे जो है सैटरडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एंड मैंने जो है अभी चोटी बना ली है, तो गाइस उन्होंने बोला कि आपके जो है अभी बाल अच्छे हैं, तो इसलिए आप जो है यू करवा लो। पहले जो है हमने सोचा था कि हम स्टेप्स करवा लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, स्टेप्स मत करवाओ, लेयर मत करवाओ, फेदर कर दो बिल्कुल नहीं, आप ये करवाओ। क्योंकि आप एक्चुअली फ्रेंड्स मेरे बाल ना स्ट्रेट हैं, और नीचे से उन्होंने बोला कि एकदम इक्वल थे, तो उन्होंने बोला कि आप यही करवाओ, तो मैंने वही करवाया। एंड उन्होंने बोला इसको छोटा करना है, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं इसको ग्रो करवाना चाहती हूँ। सो यस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल द एंड। एंड मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, मैंने डिनर भी कर लिया है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।